गुड मॉर्निंग बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स आज हम अपना टॉपिक औरल प्रेजेंटेशन राइटिंग स्किल्स लेक्चर टू स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम आज पढ़ेंगे मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत औरल प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ औरल प्रेजेंटेशन सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस का अर्थ है हमें विश्वास होना चाहिए प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में जो प्रेजेंटर है और जो ऑडियंस है उनके बीच में आपस में एक विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है यदि प्रेजेंटर को अपने ऊपर विश्वास होगा तभी जो उसके ऑडियंस है वो उसको ध्यान से सुनेगी और जैसे जैसे उसका आगे प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर का टाइम बढ़ेगा वो प्रस्तुतिकरण देता रहेगा श्रोताओं को अगर उसने अपने विश्वास में ले लिया तो ऐसी स्थिति में वह जो प्रस्तुत करना चाहता है वह जो बात कन्वे कन्वे करना चाहता है वह आसानी से कन्वे कर पाएगा दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ थोरोनेस थोरोनेस का अर्थ है कंप्लीट सूचनाएं प्रदान करना जब प्रेजेंटर अपने बारे में कुछ बताना चाहता है अपनी बात को रखना चाहता है तो इस बात को ध्यान में रखना होगा प्रस्तुतिकरण के दौरान कि जो बात वह कहना चाहता है उसमें केवल वही इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और वही इंफॉर्मेशन अपनी प्रस्तुति में बताए जो विश्वसनीय हो और जो पूर्ण हो और संदर्भित हो अर्थात जिस संदर्भ में प्रस्तुतिकरण है उसी संदर्भ में वह प्रस्तुतिकरण होना चाहिए तीसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी अर्थात यथार्थता का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रेजेंटर है उसे बड़ा सिंसियर होना चाहिए अगर वह सिंसियर नहीं होगा तो ऑडियंस उसको सिंसियरली नहीं लेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है चौथा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मेन आइडिया मेन आइडिया का अर्थ है कि वह जो, बात कहना चाहता है, वह जो बात प्रस्तुत करना चाहता है जिस संदर्भ में यह प्रेजेंटेशन चल रही है उसे आइडिया को उसी वे में प्रस्तुत करना चाहिए अर्थात जो सूचना वह देना चाहता है जो मनोरंजन वो करना चाहता है जैसे अगर हम मन... इसके अंतर्गत एक बात को ध्यान रखें कि जो पर्पज है जो हमारा मेन आइडिया है वो उस आइडिया जैसे आपने देखा होगा कि मनोरंजन के क्षेत्र में जब हास्य प्रस्तुति की जाती है जैसे कपिल शर्मा का शो है तो वहां वे वार्तालाप ज्यादा करते हैं मनोरंजन ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और श्रोता उसको सुन के मनोरंजन करते हैं इसी प्रकार से जब हम अपनी व्यापारिक मीटिंग में किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करना चाहते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं उसके मार्केट एरिया के बारे में बताते हैं तो ये हमारा मेन आइडिया जो है वो हमें उसी उसी के संदर्भ में हमें अपनी बातों को रखना चाहिए अगर हम उससे हट जाएंगे उन बातों से तो फैसी स्थिति में हम आ, हमारा जो प्रस्तुति है वो बेकार हो जाएगी क्योंकि तो प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुतकर्ता का योगदान न्यूनतम हो जाएगा यदि प्रस्तुतकर्ता ने अपने बिंदु सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करे रखे उसके। अगला सिद्धांत हमारा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडलीनेस इसके अंतर्गत जो अत्यधिक प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए जो प्रस्तुतकर्ता है प्रेजेंटर है वो अपने ऑडियंस के साथ मित्रवत व्यवहार रखे उनको साथ जो संवाद है उसी स्तर के अनुसार संवाद करें वह अपने प्रेजेंटेशन में इस तरीके से इन रुचि का मौलिकता का ध्यान रखें और अपनी प्रस्तुति को बड़े उत्साह के साथ और रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए छठा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ अराउजिंग इंटरेस्ट अर्थात हमें प्रेजेंटेशन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो श्रोता है उसकी रुचि का ध्यान में रखना चाहिए अगर वह श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखेंगे तो प्रेजेंटर की जो प्रस्तुति है बहुत प्रभावपूर्ण हो जाएगी और अगर वो उनकी श्रोताओं की रुचि के अनुसार अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो वह प्रतिकूल प्रभाव पैदा करेगी सातवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेसाइज पर्पस प्रेसाइज पर्पस का अर्थ है जो निश्चित आ, उद्देश्य है जिस संदर्भ में बात की जा रही है उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए अर्थात तो एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए अपनी जो बात है मंतव्य है अपनी जो बारे में जिस संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं उसको बहुत कम शब्दों में और प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए वे, वे में हमें बतानी चाहिए आठवां है प्रिंसिपल ऑफ ऑडियंस नीड। दर्शकों की जो आवश्यकता है दर्शक चाहता क्या है सामने वाला क्या किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति को सुनना चाहता है उस बारे में भी ध्यान रखना होगा जैसे कि अगर हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं टीचर हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि विद्यार्थी सब्जेक्ट के संदर्भ में यदि असहज है या समझ नहीं पा रहा है या उसे समझ में कोई चीजें नहीं आई हैं तो उसके बारे में उसको पुनः रिपीट करना उसके बारे में विस्तृत रूप में बताना कक्षा में ये जरूरी होता है अर्थात तो ये इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दर्शक क्या चाहता है ये हमारे सिद्धांत हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और जब भी भी हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें इस प्रिंसिपल इन सभी प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना होगा अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं व्हाट इज राइटिंग स्किल्स जो लेटर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि राइटिंग स्किल्स का अर्थ क्या है हिंदी में बोलते हैं लेखन कुशलता अगर हम इसे समझें लेखन कुशलता का अर्थ क्या है पहले तो यही समझ लें लेखन कुशलता में तीन मुख्य बातें आती है नंबर एक लेखन कुशलता का अर्थ है पहले समझें लेखन कुशलता क्या है राइटिंग स्किल्स एक प्रकार से सिस्टमेटिक और इफेक्टिव वे में लिखने की कला को लेखन कुशलता राइटिंग स्किल्स बोलते हैं मींस अगर हम सिस्टमेटिक और इफेक्टिव वे में राइटिंग करते हैं तो उसे लेखन कुशलता कहते हैं तो अगर लेखन कुशलता की करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं देखें तो इसमें तीन विशेषताएं नजर आई पहली विशेषता है कि आसान और प्रभावी लेखन में लिखना तो लेखन लिखना एक हमारी इसमें विशेषता है दूसरा है जो लेखन है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए और निश्चित एक प्रभावी ढंग से लिखना चाहिए तीसरी बात जो नजर आती है वह सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए जो भी हम लेखन करें वो सकारात्मक दृष्टिकोण हो और जिस संदर्भ में यह लेखन किया जाता है चाहे वो पत्र का हो चाहे रिपोर्ट का हो उसके नियमों को पालन करना आवश्यक है इसका मतलब लेखन कला इसे बोलते हैं लेखन कुशलता इसे बोलते हैं इफेक्टिव राइटिंग स्किल अगली टॉपिक है हमारा स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स तथा लेखन कुशलता के विभिन्न चरण क्या है हम मुख्यतः चरणों को पांच भागों में बांटते हैं नंबर एक प्लानिंग नियोजन नंबर दो फर्स्ट ड्राफ्टिंग प्रथम प्रारूप लेखन तीसरा है संशोधन अमेंडमेंट्स, फोर्थ एडिटिंग संपादन और पांचवा अंतिम प्रारूप तैयार करना अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं समझना है, है हमें सबसे पहले हमने बोला कि लेखन कुशलता में पहला चरण आता है प्लानिंग अर्थात जब कभी भी हम किसी भी लेखन की नियोजन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है और दित्यक उद्देश्य क्या है मेन और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग क्या है दूसरी बात हमें ऑडियंस को एनालिसिस करना होगा देखना होगा किस व्यक्ति को ये लेखन पत्र लेखन भेजा जा रहा है इस प्राप्तकर्ता के बारे में पता होना चाहिए किस प्रकार से हमें वो समझ पाएगा अगर हम किसी बंगाली व्यक्ति को हिंदी में पत्र भेजें और उसे बंगाल बंगाली व्यक्ति को हिंदी नहीं आती होगी तो यह जो पत्र लेखन है या जो लेखन है वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अर्थात हमें प्राप्तकर्ता के बारे में पूरी सूचना इकट्ठी करनी होगी इसके अतिरिक्त हमें पत्र में अपनी जो टोन है जो हमारा प्रॉपर किस तरीके से हमें बात को कहनी है शब्दावली का प्रयोग हमारी वोकेबुलरी बहुत सभ्रांत और तर्कयुक्त होनी चाहिए जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारे जो बात है विचार है सिलेक्शन ऑफ थॉट्स के बारे में ध्यान रखना होगा कि वो हमारे पास संदर्भित और उचित क्रम के अनुसार होने चाहिए दूसरा हमारा है ड्राफ्टिंग प्रथम फर्स्ट ड्राफ्टिंग फर्स्ट ड्राफ्टिंग में दो तरह की बातें हैं एक तो हम लीनियर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं या सर्कुलर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं जब हम लेखन की कुशलता के लिए फर्स्ट ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये हमारे लिए लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि लिखे जाने वाले जितने भी मेटीरियल है जो हम बात लिखना चाहते हैं उसके लिए एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेना चाहिए उसके बाद उन विचारों को शब्दों का रूप देना चाहिए और फिर शब्दों को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बदलना चाहिए सेंटेंस बनाने होंगे हमें पहले शब्दों को और सेंटेंस बनाने के पश्चात हमें उनके पैराग्राफ्स बनाने होंगे इसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन्स हैं जो हमें उसके साथ एनक्लोज करनी है सबूत के तौर पर हमें उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा कंसीडर करना होगा इसके अलावा हमें एग्ज़ाम्पल्स भी कोट करने चाहिए यदि हमें लगता है कि यह एग्जाम्पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इनकी प्रेजेंटेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है तीसरा स्टेप हमारा आता है अमेंडमेंट संशोधन का संशोधन के अंतर्गत हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में जैसे कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे इंक्लूड करना चाहिए और जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे बाहर कर देना चाहिए डिलीट कर देना चाहिए जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसके लिए प्रॉपर प्लेसिंग होनी चाहिए शुरू में या बीच में जहां हमें लगता है वहां रखना चाहिए और जो हमारी भाषा है उसको न्यू वर्ड्स और वी यूजिंग उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा कि वो भाषा संभ्रांत होनी चाहिए और व्यापारिक जगत के संदर्भ में व्यापारिक जो नियमावली है उनके शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए और उसके पश्चात हमें अपने शब्दों को नए शब्द हैं जो प्रभावी ढंग से हम इनपुट कर सकते हैं उनके बारे में चयनित करना चाहिए और जो अनुचित शब्द हैं उनको हटा देना चाहिए इसके बाद हमारे चौथा आता है एडिटिंग अर्थात संपादन करना जब हमने लिख लिया रफ ड्राफ्टिंग कर ली है तो उसके बाद दोबारा से उसे पढ़ना होगा हमें और हमें अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना होगा ग्रामर को इम्प्रूव करना होगा सेंटेंसेस को इम्प्रूव करना होगा सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए जो हमें ज़्यादा इफेक्टिव वे में प्रस्तुति दे पाए इसके अलावा हमें फाइनल ड्राफ्ट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए दोबारा से शब्दों का चयन करना चाहिए हटा देना चाहिए अगर शब्द हमें लगते हैं इन सब चीज़ों के बाद हम पांचवा आखिरी स्टेज आता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट जो हमने फाइनल ड्राफ्ट बनाया है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग अर्थात फिर पुनः दोबारा से पुनः लिखना चाहिए संदेश को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए क्योंकि अब संदेश में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे वो सब परिवर्तन हम कर चुके हैं अर्थात हमारे संदेह की कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए अंतिम रूप में ये सभी हमारे लेखन कुशलता के विभिन्न चरण हैं स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स थे जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए अगला एक क्वेश्चन आता है कभी बन सकता है कि वॉट आर द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स हमें इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स को बनाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए सबसे क्या या इस प्रश्न को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रभावी लेखन कुशलता के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लघु वाक्यों का प्रयोग हमें करना चाहिए स्मॉल सेंटेंसेस शुड बी यूज टू राइट सो दैट कि हम उसे आसानी से समझा पाए दूसरी बात है कि संदेश जो है जो मैसेज है वो संक्षिप्त होना चाहिए ब्रीफिंग में होना चाहिए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रीफ है और वो समझ में ना आए स्पष्ट भी होना चाहिए और तीसरी बात है लेखन जो है विषय के अनुकूल होना चाहिए सब्जेक्ट्स के अनुकूल होना चाहिए और लेखन में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को देखना होगा विभिन्न व्यवहारिक उदाहरणों को देखना होगा विभिन्न व्यवहारिक बातों को देखना होगा और जो भी हम वर्ड्स बिजनेस में यूज करते हैं वो तर्क के अनुसार होने चाहिए जो बिजनेस में यूज कॉमन वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए लेकिन जो भी बात हम कह रहे हैं वह तर्कपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि स्मॉल पैराग्राफ्स में हम छोटे छुट छोटे बातों को अपनी बातों को कह सकते हैं ज्यादा हमें उत्साही भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि तो अगर हम बहुत ज्यादा उत्साही भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा ही लगता प्रभाव नहीं डालता हमारा इसका अर्थ है कि जो लेखन है उसमें यदि हम किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं उत्तर दे रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रश्नों को पूछा गया है उनके सही ढंग से उत्तर प्रदान कर दें और पत्र किसके लिए लिखा गया है क्यों लिखा गया है कहाँ लिखा गया है क्या लिखा गया है कब लिखा गया है इन सब बातों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और इसी के साथ हमारा ये इफेक्टिव राइटिंग का भी टॉपिक खत्म हो गया है बेटा थैंक यू वेरी मच